जनपद में गुरुवार को जिला अस्पताल सहित 59 केंद्रों पर 45 साल के ऊपर के 3,436 नागरिकों का कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें प्रथम डोज में 2,007 तथा सेकेंड डोज के 1,429 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल, सीएचसी, पीएचसी सहित 75 केंद्रों पर कोविड का टीकाकरण किया गया। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से लोग टीकाकरण कम करा रहे हैं, जबकि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है। उन्होंने कहा कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बहुत आवश्यकता पर ही घर से बाहर निकले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, जनपद में 75 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा है और हर केंद्र पर 100% मिनिमम टारगेट रखा गया है और टीकाकरण चल रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन भी उपलब्ध है। और क्योंकि कोरोना थोड़ा सा फैल गया है, इस वजह से लोग थोड़ा सा घरों से कम निकल रहे हैं, जो टीकाकरण में इसलिए थोड़ा सी वो चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, जो कि हमारा लक्ष्य रहता है कि 11-12 हज़ार टीकाकरण करने का, तो थोड़ा सा उससे लक्ष्य से कम हो रहे हैं। क्योंकि बीमारी फैली हुई है तो घरों से बाहर लोग नहीं निकल रहे हैं। जी हाँ, ज़िले में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है। इससे बचने का बहुत ही सिंपल तरीके हैं, जो सभी लोगों को पता है, एक साल से सब लोग अपना रहे हैं। मास्क लगाना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना, भीड़ भाड़ में इलाके में बिल्कुल नहीं जाना, ज़रूरत पड़े तभी घर से आप बाहर निकलिए। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करेंगे तो कोरोना इस ज़िले से
में कम हो जाएगा और ज़िले को हम कोरोना से मुक्ति दिला सकते हैं। मास्क लगाना है, घर से बाहर बहुत कम निकलना है, जो ज़रूरत पड़े तभी निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल मत जाइए।